हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश, ये टू स्ट्रोक गाड़ी है बजाज का, बजाज टू स्ट्रोक कॉम्पैक्ट। इसका हेड ब्लॉक क्लीन करने जा रहे थे, हेड ब्लॉक कैसे क्लीन होता है उसके बारे में आज बताने वाला हूँ मैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले प्लग खोलेंगे, उसके बाद ये 10 नंबर का बोल्ट है जो कवर में फिट हुआ है, और एयर पाइप निकालेंगे ये वाला यहाँ से, एयर फिल्टर के यहाँ से। फिर उसके बाद ये कवर का 6-8 नंबर का बोल्ट है, इसको भी खोल के लेंगे। ठीक है, मैं ये खोल के लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, सब कवर खोल लिया हूँ, अभी इसका हेड ब्लॉक खोलने का है। तो हेड ब्लॉक खोलने के लिए 11 नंबर का नट है यहाँ पे, टोपी वाला नट है, ये चारों 11 नंबर का नट खोलेंगे। और फिर उसके बाद ये ऑयल पंप का जो पाइप है इसका क्लिप निकाल देंगे, ठीक है, और ये पाइप निकाल के साइड में रख देंगे। और फिर उसके बाद साइलेंसर का ये दोनों 13 नंबर का नट है, ये दोनों खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे एक 13 नंबर का बोल्ट है बड़ा वाला, और 13 नंबर का नट है, इसको खोल के साइलेंसर निकाल देंगे। ठीक है, ये देखो दोस्तों, हेड निकाल दिया हूँ, हेड इसका बहुत भरा हुआ है, दिख रहा है ना, इसके अंदर पूरा कार्बन हो चुका है, ये सब साफ़ करना पड़ेगा। और अभी ये साइलेंसर निकाल के लेना पड़ेगा, ये साइलेंसर, ये देखो साइलेंसर है, तो इसके लिए ये अपने को नट खोलना पड़ेगा, ये 13 नंबर का। और ये देखो, ये साई वाल का ये सिस्टम, तो ये भी अपने को निकाल के लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा क्लिप निकाल के लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला नट खोलना पड़ेगा, बोल्ट इतना बड़ा, और ये नट खोल के बोल्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं ये खोल के लेता हूँ। अभी ये ब्लॉक निकाल के लेना है, तो ब्लॉक निकालने के लिए कुछ खोलने की जरूरत नहीं पड़ता है, ब्लॉक हाथ से पकड़ के सिर्फ निकाला जाता है। देखो ये देखो, ठीक है, ये देखो, यहाँ पे दो डॉयल रहता है, एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। और ये पैकिंग निकाल लेना पड़ेगा, ये पैकिंग, ठीक है, ये पैकिंग निकाल के साफ करना पड़ेगा पूरा, ये पिस्टन साफ करना पड़ेगा, और हेड और ब्लॉक साफ करके लेना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं साफ करके लेता हूँ ये सब। ये देखो दोस्तों, ये ब्लॉक के अंदर हेड पैकिंग लगा हुआ है, तो ये हेड पैकिंग है, ख़राब रहेगा तो बदली करना, नहीं तो इसको ये पैकिंग डाल सकते हैं, बदली करना रहता है ब्लॉक पैकिंग, ये जो यहाँ पे लगा है, ये जो पैकिंग है, इसको बदली करना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, दो डॉयल लगा है, एक इधर राइट साइड में ऊपर साइड में, और एक लेफ्ट साइड में नीचे साइड में, ठीक है। ये डॉयल नहीं निकलता रहेगा, तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको ऊपर से साफ करके अच्छे से क्लीन करके फिट कर सकते हैं।
ये देखो अच्छे से क्लीन हो गया है। अब इसके बाद ब्लॉक क्लीन करेंगे ब्लॉक को, ठीक है। इसको रख देता हूँ साइड पे, देखो ब्लॉक, इसको अच्छे से इधर क्लीन करके लेना है। और ये देखो यहाँ पे भर चुका है, ठीक है, ये देखो अंदर की तरफ भर चुका है, दिख नहीं रहा है, ये देखो दिख रहा है पूरा कार्बन अंदर जमा हो गया, ठीक है। इसको साफ करके लेता हूँ अच्छे से। देखो ब्लॉक अच्छे से क्लीन हो गया, देख लो ये अंदर का पूरा अच्छे से साफ कर दिया। और ये जो पैकिंग है साइलेंसर का, इसको ऐसे ही रहने देना है, ख़राब हो रहेगा तो बदली करना, नहीं तो ये इसमें ही रहने देना, तो ख़राब नहीं होता है क्योंकि कभी कभी सड़ जाता है, फट जाता है मतलब, तो बदली करना पड़ता है, नहीं तो चलता है वैसे फिट करने का, ठीक है। और ये जो होल है ना, ये कभी मतलब ऐसे नीचे की तरफ रख के साफ करते हैं ना, तो ये जाम हो जाता है, तो ये होल के ऊपर नज़र मार लेना, एक बार साफ कर देना, ठीक है। और ये देखो बहुत सारा कचरा निकला है यहाँ पे, ये ब्लॉक का कचरा पूरा, ठीक है। अब उसके बाद अभी पिस्टन साफ करके लेते हैं, ये पिस्टन है ब्लॉक बैठाने के बाद, इससे पहले पैकिंग निकाल के लेते हैं और फिर ब्लॉक बैठाते फिर पिस्टन साफ करते, ठीक है। तो ये पैकिंग निकाल लेना है, पैकिंग निकाल लिया हूँ, अभी इसको कपड़े से मैं साफ़ कर लूँगा, ठीक है। तो ब्लॉक फिट करते टाइम मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको साफ करने का पिस्टन को। ये वाला दो बड़ा होल है इसका ब्लॉक पैकिंग का, तो ये दोनों डॉयल इसमें लगा है और इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, तो अभी ये पैकिंग डाल के लेते हैं, आराम से डालना है, पैकिंग फटना नहीं है, ठीक है। ये देखो डॉयल के अंदर बराबर पैकिंग फिट हो गया, और ये बजाज का पैकिंग है ओरिजिनल, ₹5 का एक है, ठीक है। अभी इसके बाद ब्लॉक डालते हैं, और दोनों ये रिंग ना बराबर अपनी जगह पे ओके रहना चाहिए, रिंग खराब रहेगा मतलब अंदर कार्बन रहेगा तो रिंग खोल के साफ करना पड़ेगा, नहीं तो कार्बन नहीं रहेगा तो रिंग खोलने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। रिंग अपनी जगह पे फिट है बराबर, देख लेने का, इधर खूंटी के माप रहता है उसके अंदर वो बराबर फिट होता है, ठीक है। आगे वाला लेफ्ट साइड में और पीछे वाला राइट साइड में रहता है। ये देखो ब्लॉक बैठ गया है, ये अच्छे से ब्लॉक फिट करने का है, ज़्यादा ज़बरदस्ती फिट नहीं करना है, ज़बरदस्ती फिट करोगे तो रिंग टूट सकता है, तो आराम से इसको फिट करके लेना है। अभी ये जो है पिस्टन में कार्बन, इसको साफ करके लेना है, ठीक है। तो मैं ये साफ करता हूँ अभी इसको, ये देखो अच्छे से क्लीन हो गया, ठीक है। अभी इसको फिट करेंगे, फिट करने से पहले थोड़ा सा क्रैंक को घुमा के पिस्टन अंदर करके थोड़ा इसमें ऑयल लगा देना है, जिससे मतलब वर्किंग बराबर रहे, ब्लॉक को कुछ तकलीफ ना हो, ठीक है। देखो टूटी ऑयल है, ये अच्छे से इसको साफ कर लेना है, ऐसा ऑयल जितना ऊपर निकला रहेगा वो साफ करके लेना है, ठीक है। साफ़ हो चुका है, अभी इसका हेड पैकिंग लगाएंगे, ये बजाज का पैकिंग है। ये हेड पैकिंग ₹68 का है, ये देखो बजाज का था, ठीक है। इसका आपको पार्ट नंबर भी दिखा दूंगा, ये देखो ये इसका पार्ट नंबर है, अभी नया वाला लोगे तो ₹86 का आएगा, ये मेरे पास जूना स्टॉक में था, ठीक है। बराबर डॉयल इसके अंदर फिट होना चाहिए, डॉयल जब फिट नहीं होगा तो गलत रॉन्ग फिट होगा और पैकिंग अंदर नहीं जा पाएगा। इसका हेड ठीक है, अभी इसका नट लगा के लेते हैं, वाइसर और नट, ठीक है। जब भी हेड ब्लॉक खोलो तो हेड का चारों नट है ना वो नया बद्दी कर देने का, ये तो मैं नया लेके आया हूँ और वाइसर भी नया है, तो इसके अंदर कंपनी वाइसर नहीं देता है, पतला वाला वाइसर देता है, तो मैं जाड़ा वाला वाइसर लिया हूँ ये वाला, ठीक है। और ये देखो चारों नट, ठीक है, इसको फिट करता हूँ। कभी भी ऐसा टाइट करना है, पहले ये वाला, फिर उसके बाद ये राइट वाला ऊपर वाला, फिर लेफ्ट साइड में नीचे वाला, ठीक है। तिरछा टाइट करना है, कभी भी सीधा टाइट करोगे तो हेड का स्ट्रेट टूट सकता है।
ठीक है, अच्छे से टाइट हो चुका है। अभी साइलेंसर फिट करेंगे। ये देखो साइलेंसर है, इसको फिट करने जा रहे हैं। तो कभी भी साइलेंसर भर जाता है ना, तो ये साइड का जो पुंगली साइड में है ना, ये भर जाता है। यहाँ पे कन्वर्टर रहता है, तो इसका ये देखो ये 6 बोल्ट है 10 का, इसको खोल के ना साफ कर लेना। ठीक है, कभी भी आपका हेड ब्लॉक खुलता है मतलब साफ करने के लिए, तो ये इसको खोल के इसका पुंगली साफ कर लेना। इसका भरा नहीं था, इसका अंदर साफ है, तो आपको बताने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। मतलब कभी आपका साइलेंसर भरा रहेगा तो आपको हेड ब्लॉक साफ करा रहे, तो पुंगली निकाल के और इसको साफ कर सकते। ठीक है, ये सब नट टाइट करके लेता हूँ। 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 कवर का पीछे साइड का नट टाइट करके लेता हूँ। ठीक है, तब वीडियो आगे का बनाता हूँ। कवर का पीछे का 4 बोल्ट टाइट कर दिया हूँ 8 नंबर का। ठीक है, अब ये साइड का कवर लगा के लेते हैं। ये दोनों 8 का जो बोल्ट है टाइट करके लेता हूँ, ऊपर और नीचे का। ये वीडियो कंप्लीट हो गया है हेड ब्लॉक क्लीन का। ठीक है, ऐसे हेड ब्लॉक क्लीन करना है। अभी इसको चालू करके दिखाते हैं आपको, तो उसके आगे बात करते हैं क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आता है और क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करो, फुल रेस करो। हेलो दोस्तों, ये हेड ब्लॉक क्यों क्लीन करते हैं उसके बारे में आज बताऊंगा। जब गाड़ी नहीं भागता है, तब गाड़ी मतलब नहीं भागता है, पिकअप नहीं लेता है, मतलब चरण पे नहीं चढ़ता है और फायरिंग बराबर नहीं आता है, तो हेड ब्लॉक साफ करना पड़ता है। और कभी कभी साइलेंसर भी भरा हुआ रहता है, ये साइलेंसर तो भी पिकअप नहीं लेता है। तो हेड ब्लॉक कब क्लीन होता है? हेड ब्लॉक 20,000 से लेकर 25,000 किलोमीटर पे हेड ब्लॉक क्लीन होता है, कंपनी का टूटी ऑयल डाल रहे तो। और लोकल ऑयल डालोगे तो 15,000 में ही आपका हेड ब्लॉक भर सकता है। ठीक है, और ये वीडियो एक मेरे YouTube फ्रेंड है गुजरात के, तो उनके गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, तो बार बार मुझे कॉल करके बोलते थे तो ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा गाड़ी भागता नहीं है, स्टार्टिंग ट्रबल दे रहा है। तो उनको मैं बताया हेड ब्लॉक क्लीन करने, तो वो मेरे को बोल रहे थे हेड ब्लॉक क्लीन का वीडियो बताओ मुझे बना के। तो इसीलिए उनके लिए हेड ब्लॉक का क्लीन का वीडियो बनाया। 2 स्टॉक का मेरे पास ज़्यादा गाड़ी नहीं आता है, तो मतलब पर्सनल एक दोस्त का गाड़ी था, उनके गाड़ी में पिकअप का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए उनका हेड ब्लॉक खोल के क्लीन करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना आपको कैसा ये वीडियो लगा। ठीक है।